हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर मन के भोले भाले बादल। ये देखते हैं इस कविता में क्या है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाग नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म हो गई बच्चों। ये लिखी थी कल्पनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं और क्या क्या करते हैं। तो जो बादल होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे उनके झब्बर झब्बर बाल हों, बहुत घने बाल हों, और वो गुब्बारे के समान, उनका जो होता है आकार वो गुब्बारे के समान फूला हुआ होता है। तो ऐसा लगता है कि उनके जो गाल हैं वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हों। और वो आसमान में क्या करते हैं जो बादल होते हैं, इधर उधर भागते हैं जो काले बादल होते हैं, झूम झूम कर काले बादल। तो बहुत ऐसा लगता है खुश होकर आसमान में इधर उधर भाग रहे हों। तो कुछ बादल होते हैं उनकी जो तोंद होती है बहुत चौकट के समान फूली हुई दिखाई लगती है। तो ऐसा लगता है जो बादल हैं उनकी तोंद है वो जोकर के समान फूली हुई है। तो कुछ हाथी के समान ऐसा लगता है सूर उठाए हुए हो, और कुछ बादल ऐसा लगता है जैसे वो ऊँट के समान दिखाई देते हैं, जैसे ऊँट की पीठ पर कुबड़ निकला होता है वैसे ही लगते हैं। और कुछ बादल ऐसा लगता है जैसे उनके परियों के समान पंख लगा लिए हों उन्होंने। और ये जैसे शेर होते हैं आपस में टकराते हैं, तो ऐसे ही लगता है कभी कभी जो बादल होते हैं आपस में टकराते हैं। और कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं बहुत तूफानी हैं, और कुछ बादल होते हैं वो बार बार ऐसा लगता है शैतानी कर रहे हों। तो कुछ बादल होते हैं जो अपन क्या करते हैं, पानी बरसा देते हैं, और जो ये बादल होते हैं किसी की नहीं सुनते, और जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, आवाज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे ये ढोलक बजा रहे हों। तो ये कभी हमारी छत पर आ जाते हैं, और कभी भाग जाते हैं, चुपके से चले जाते हैं, कभी कभी इतने ज़िद्दी बन जाते हैं तो ऐसा लग तो क्या होता है, ये हम जो नदी नाले होते हैं उसमें बहुत अधिक पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये कभी बहुत अधिक जिद्दी अपना जिद्दीपन दिखा देते हैं, बहुत अधिक बारिश कर देते हैं। फिर भी जो ये बादल होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जो बादल होते हैं मन के बहुत अधिक भोले भाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म हो गई बच्चों। आप इस कविता को समझ लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। और आपको कविता पसंद आई हो तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।